हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है आर इम्पॉसिबल लव, जो कि लिखी है दुर्जॉय दत्ता ने। तो चैप्टर 17 तक हम लोग ऑलरेडी स्टोरी देख चुके हैं कि क्या चलती है। अब जो चैप्टर 18 है, इस चैप्टर का नाम है दानिश रॉय। अब जो दानिश होता है ना, वो आज काफ़ी खुश होता है। इसी उत्साह में ना उसने अपना जो स्टेशन होता है मेट्रो का, वो भी छूट गया होता है। वो अगले स्टेशन पर पहुँच जाता है, ठीक है, और उसको होश ही नहीं जाता, क्योंकि उसके दिमाग में ना बस एक ही ख्याल चल रहा होता है कि आज जो उसने स्कूल में शब्द कहे हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं, और कहीं ना ये उसकी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत है। ऐसा नहीं है उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे उसके भाई को मर्सिडीज़ मिल गई, ऐसा उसने कोई काम नहीं करता, लेकिन तब भी छोटी चीज़ से भी ना उसको बहुत खुशी मिल रही होती है। अब वो सोचता है ना कि भाई इस चीज़ को सेलिब्रेट तो करना बनता है। अब वो फ़ोन मिलाता है अंकित को, दानिश, तो कहता है कि घर कब आ रहा है। तो जो अंकित होता है ना, वो कहता है मैं तो ऑलरेडी घर पे हूँ भाई। अब कहीं ना उसकी आवाज़ से पता चल चुका होता है कि आज ने थोड़ी पी रखी है। वो कहता है कि भाई हमारी सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होता है जब तक हम पी ना दारू। अब वो क्या करता है ना, घर पे आता है दानिश और सीधा अंकित के रूम में चले जाता है। और जैसे ही वो रूम में घुसता है ना, तो देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंकित और वो लड़की जो उस दिन पार्टी में मिली थी, वो लोग सेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो बेडशीट में नंगे होते हैं, और लड़की का सिर्फ चेहरा दिखाई देता। और ये देख के तो ना वो जो दानिश होता है ना, वो तुरंत बाहर आ जाता है, और वो लड़की चिल्ला रही होती है। अब जो अंकित होता है ना, ठीक है, वो कहता है कि भाई फक, ठीक है, तो जो लड़की होती है ना वो कहती है गेट आउट, ठीक है, और बहुत एम्बेरस सी हो जाती है, और वो ना बाहर आ जाता है दानिश जल्दी से। अब जब वो देखता है ना, तो देखता है कि भाई वो चिल्ला रही होती है लड़की, उसका नाम ले रही होती है, और जो उसका भाई होता है ना वो हंस रहा होता है। वो कहता है अरे उसको नहीं पता था यार, उसने कुछ नहीं देखा। अब जो अंकित है ना वो बाहर आता है, वो कहता है और भाई, ठीक है, अब वो उसको पता है कि भाई इसने अनइंटेंशनली नहीं किया ऐसे, ठीक है, कोई इसका इंटेंशन नहीं था। अब जो दानिश होता है ना, वो कहता है यार मुझे लगा ना कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अब होता क्या है ना, उसको ये लगता है कि भाई सेलिब्रेट तो करना बनता है, लेकिन जो उसकी जीत थी ना वो बहुत ही छोटी थी दानिश की, और उसका भाई तो वैसे भी ऑलरेडी बिग था। तो उसका भाई कहता है कि भाई किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट करना है हमें। तो दानिश कहता है ना कि भाई तेरी कार के लिए यार अंकित, और किसके लिए। अब ना बड़ी उसके ना चेहरे पर स्माइल आ जाती है अंकित को, वो उसको हक करता है। अब सडनली क्या होता है ना, वो लड़की भी बाहर आती है। अब जब वो बाहर आती है ना, तो अंकित उसके गले में हाथ रखता है, तो कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो राइट, ये वही है जो पार्टी में मिली थी हमें, याद है दानिश। तो कहता है इसने ना मुझसे माफ़ी मांगी, ठीक है। अब वो लड़की ना उसको देखती है, ठीक है, वो कहती है नहीं मैंने तो माफ़ी नहीं मांगी। तो अंकित कहता है ऑफकोर्स मैं तुमसे पूछा क्या तुम आओगी मेरे साथ दारू वारू पियोगी, तो तुमने मान गई उस बात को लेकर, तो वो माफ़ी तो थी। अब वो लड़की कहती है ना कुछ भी वट एवर। अंकित कहता है चलो कम ऑन, अब तुम दोनों हाथ मिलाओ। और वो इन दोनों को ऐसे हाथ मिलाता है जैसे कि भाई कोई ना पेरेंट्स मिलवाते हैं, फिर दोस्त मिलाते हैं कि भाई अब हो गया माफ़ीनामा चलो। अब वो इंट्रोड्यूस करता है, तो वो कहता है दानिश, तो वो लड़की कहती है स्मृति। तो अब दानिश कहता है ना मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में गूगल किया था। अब जो स्मृति होती है ना वो कहती है क्यों। अब वो देखती है अंकित की तरफ, तो अंकित कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अब स्मृति ना अपनी आँखें हटा लेती है, ठीक है। अब वो ना कहीं दानिश उसने उसके बारे में गूगल किया होता है, क्योंकि वो दानिश ना जन किसी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलता था, वो उनके बारे में गूगल कर लेता था जल्दी से। उसको दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती थी कि भाई पहली जब वो मेरे एज में थे, अगर वो उससे बड़े हैं तो उस एज में उन्होंने क्या अचीव करा लाइफ में, और दूसरी चीज़ कि वो हर महीने कितना पैसा कमाते हैं। तभी उसको ये बात गूगल से पता चली कि भाई जो ये लड़की है स्मृति, ठीक है, ये यंग कॉर्पोरेट शेयर में डील करती है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे अपने जा रही है लाइफ में। अब वो लोग क्या करते हैं ना, तीनों बैठ के खूब दारू वारू पीते हैं और खूब पी रखी होती है। तभी वो लोग सोचते हैं ना कि क्यों ना भाई मर्सिडीज़ में एक ड्राइव लेके आया जाए। अब काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, ठीक है, लेकिन उनको कीज़ ही नहीं मिल रही होती, पूरे घर उन्होंने ढूंढ लिया। अब इस वजह से ना वो लोग कहीं नहीं जाते। अब जो स्मृति होती है ना, वो उससे क्वेश्चन पूछती है, दानिश से वहीं पर बैठे हुए होते हैं। वो कहती है दानिश तो तुम करते क्या हो स्टूडेंट काउंसलर ऐसा। तो दानिश कहता है ना कि मैं ना बच्चों को काउंसिल करता हूँ। अब जो स्मृति होती है ना, वो कहती है भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम एक एंटरप्रेन्योरेट हो और तुम एंटरप्रेन्योर करते हो, तुम मतलब करते क्या हो एग्जैक्टली। तो दानिश कहता है ना मैं बच्चों की हेल्प करता हूँ, ठीक। तो स्मृति कहती है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। अब कहीं ना उन दोनों के दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या आंसर दे, ठीक है। और अंकित और स्मृति ना उसी के सामने किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टर्न ऑन हो रहे होते हैं। और जो दानिश होता है ना, उसको तो भाई इतना वो धड़की होता है, उसके अंदर इतनी धड़क होती है कि वो जब जानवरों का सेक्स देता तो उससे भी टर्न ऑन हो जाए। और वो सोचता है ना कि गवर्नमेंट को हम जैसे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहिए कि हमें भी कुछ मिल सके। अब जो दानिश होता है ना, वो कहता है कि भाई मैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अब जो स्मृति होती है ना, वो कहती है कि अच्छा तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि अपने प्यूबिक के हेयर्स कैसे हटाने हैं, उन्हें वैक्स करना है या फिर क्या करना है। और ना हंस पड़ती है ही बात कह के। अब ना सब लोग हंसते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई फाइनली थोड़ा ना एक मजाक का माहौल हो रहा था, और कहीं ना अंकित भी उसको किस करे जा रहा था। तो दानिश कहता है हाँ कुछ ऐसा ही कह लो तुम, और वैसे तुम हो तो बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई कोई फाइट करने का कोई फ़ायदा है नहीं।
अब वो क्या करता है ना, टीवी चैनल देखता है, जो अंकित और स्मृति हैं वो काउच पे ही बैठ के मेकआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसिस कर रहे होते हैं। अब जो अंकित होता है ना, वो कहता है, हे मुझे याद है यार, स्मृति की ना एक कज़न है जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या नाम था उसका, कनिका, कनिका, तुम उसको क्यों नहीं मिला देती दानिश से, ये पक्का उसको सेट कर लेगा, क्योंकि वो भी कुछ लेक्चरार है ना, और ये तो सेम फील्ड में भी है। अब भाई जो स्मृति होती है ना, वो एकदम तुरंत उठती है, वो कहती है कि भाई उस जिस लड़के से वो प्यार करती थी ना, उससे वो ओवर हो चुकी है, लेकिन वो उसको ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था। तो अंकित कहता है, तो क्या हुआ, दानिश भी पैम्पर कर लेगा। अब वो कुछ मतलब चाहता है कुछ बोले दानिश, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। तो वो कहती है ना, स्मृति कहती है कि भाई वो उन आदमियों में नहीं है जो उसके सेम फील्ड में होते हैं, क्योंकि जो उसका लास्ट बॉयफ्रेंड था ना, वो एक बिजनेस चलाता था। अब जो अंकित होता है ना, वो कहता है कि तो क्या हुआ, मेरा भाई भी बहुत चार्मिंग है, ठीक है, क्या बोलता है दानिश। अब जो स्मृति होती है ना, वो कहती है कि क्या कह के कि भाई ये बच्चों की टीनेज प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, कुछ भी नहीं, ठीक है, वो इसको नहीं मानेगी, क्योंकि जो उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स थे ना, वो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल पीपल थे, ठीक है। तो अंकित कहता है, तो क्या हुआ। अब जो दानिश होता है ना, वो सुन रहा होता है, वो कहता है, अच्छा ठीक है भाई, तुम बात करो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही मुझे इस कन्वर्सेशन में नहीं आना कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कज़न को डेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। अब जो अंकित होता है ना, वो कहता है, क्या। अब फटाफट काउच से उठता है ना, ठीक है, उसको हक करता है, कहता है, अरे भाई तूने तो मुझे बताया नहीं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या नाम है उसका। अब दानिश कहता है ना, आयशा। अब भाई ये था, ठीक है, तो ये था चैप्टर 18, एंड इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 19। अब जो चैप्टर 19 है ना, इस चैप्टर का नाम है सार्थक पॉल। अब वो सार्थक पॉल ना अपने आप से कहता है कि भाई मैं उन लोगों से कभी नहीं देखना चाहता, उन लोगों को कभी नहीं देखना चाहता उन लोगों को, और ये चीज़ ना वो अपने आप को बार बार दोहराता रहता है, क्योंकि कहीं ना जो उसकी बहन के जो अफवाह फैल रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है उन चीज़ से, और उस कहीं ना उसको ये भी लगता है कि भाई जो आयशा की खूबसूरती है ना, वही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। और तो और स्कूल में सब लोग उसी के बारे में बात करते हैं, और उसका भाई था, मजबूरी में उसे झेलना ही पड़ता था ये सब चीज़। अब वो क्या करे, करे तो करे क्या, जो भी उसके आसपास लोग होते थे ना, वो उसी के बहन के बारे में बातें करते थे, और कई बार तो ऐसे भी दिन होते थे ना, वो सोचता था कि यार मेरी बहन एक लड़का होता काश, क्योंकि भाई जब लड़का होता है ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तब फ़र्क पड़ता है अगर वो लड़का गे हो, वैसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है, ये भगवान ने औरत आदमी क्यों बनाया, भगवान ने बस एक ह्यूमन बना देते जो कि आपस में सेक्स कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होती, जेंडर का रोल ही ख़त्म हो जाता। लगभग पिछले एक साल से ना उन लोगों ने बात भी नहीं करी होती आपस में ढंग से। जो आयशा होती है ना, वो अपनी किताबों में लगी रहती है, फ्रेंड्स में लगी रहती है, और उसके रूमर सब जगह फैलते रहते हैं। और जो वो होता है ना सार्थक, वो भी अब इन चीज़ों से फैड अप हो चुका होता है, ठीक है, तो वो भी क्या करता है ना, बस पढ़ाई में लगा रहता है और बाकी चीज़ों को सब छोड़ छाड़ देता है। अब ये सब उनके लाइफ में चल ही रहा होता है, क्योंकि कहीं ना जो वो काफ़ी यंग होता है इन चीज़ों के बात करने में, और वो क्या कहेगा कि अपनी बहन से कि क्या रूमर चल रहे हैं, क्या सच हैं, क्या गलत हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि भाई इन चीज़ों पे बात करना भी कितना मुश्किल है। कई बार वो क्या करता था ना, लोगों को, तो जब वो छोटा था तो वो ना लोगों को बड़ी मतलब जब छोटा था तो काफ़ी प्रोटेक्ट करता था अपनी बहन को, जो भी गलत रूमर्स देता था उसको पीट पाट देता था, लेकिन अब चीज़ें वैसी नहीं रही थी, अब रूमर्स भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। कई बार वो हारता था, कई बार जीतता था, किसी को कुछ कहता ही नहीं था, चुपचाप चले जाता था। अब वो कहता है ना कि भाई जो मेरी बहन है ना, कई सारे र्यूमर्स पहले फैलते थे, तो मैंने क्या क्या किया अपनी बहन के लिए, वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि भाई जो सम्राट था ना, वो बहुत गलत बोलता था, तो मैंने उसके खाने में ना कॉपर सल्फेट मिला दिया, हर दिन मिलाता था। सडनली क्या हुआ, उसकी जो अपेंडिक्स के ना वो बर्स्ट हो गई, और उसको ना एक महीना लगा रिकवर होने में। फिर मैंने मिस्टर बत्रा हैं, जो हमारे मिसेस बत्रा हैं, उनका फ़ोन चुराया और अमित के बैग में डाल दिया, वो कॉलेज से स्कूल से एक्सपेल्ड हो गया। और वो कहता है कि भाई जो कृतिका थी ना, उसकी जो सप्लीमेंट शीट थी वो मैंने फाड़ दी, तो वो फाइनल एग्जाम में फेल हो गई, उसने स्कूल ही छोड़ दिया। और जो नमित था ना, मैंने उसको धक्का दे दिया थाले को सीढ़ियों से, वो सीढ़ियों से गिरा, उसकी टांग टूट गया, वो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था वो भी हट गया। एक बार मैंने फायर अलार्म बजा दिया, ठीक है, और अभिनव, सुमित और कनिका का ना आईडी कार्ड वहीं पे छोड़ दिया वॉशरूम के पास, ताकि वो तीनों पकड़े जाएं, और वो सस्पेंड भी हो गए। जो पॉन सीडी थी ना, वो समृद्धि के बैग में डाल दी, और जब उसके पेरेंट्स को पता चला तो उसको खूब पिटाई हुई। बोलता है, मैंने ये सब किया, लेकिन अब मैं वो चीज़ें हार चुका हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब वो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि भाई रनिंग अवे ना, वहाँ से इन चीज़ों से भाग जाना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगता था उसको। और वो कहता था कि भाई जो स्कूल लाइफ शुरुआत हुई है, कब स्कूल लाइफ मेरी ख़त्म होगी, और कब ये र्यूमर्स सारे ख़त्म होंगे। अब जो र्यूमर्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा गंदे होते जा रहे थे, और इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता सार्थक। और वो कहते हैं कि भाई मैं अच्छे भाई का रोल कब तक निभाऊंगा, मैं उसको प्यार करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें ना मुझे अंदर से खा रही हैं। अब 9 महीने पहले क्या करता है ना, वो सब इन चीज़ों को भागना चाहता है यहाँ से। वो क्या करता है, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है ना सारी ग्लोबल, उनमें अप्लाई करता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, ताकि उसको अब पूरी स्कॉलरशिप भी मिल जाए।
अब वो ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, तभी उसको एक पोलैंड की यूनिवर्सिटी होती है ना उसमें ऑफर आ जाता है, वो लोग सारी उसकी ट्यूशन की फ़ीस माफ़ कर देंगे। और वो जब वो कैलकुलेशन करता है ना तो वो डिसाइड करता है कि भाई उसको खाली रहने का पैसा देना होगा, और जब वो जॉब अप करेगा ना तो इतने पैसे कमा लेगा कि वो अपने घर पे भी अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए भेज सके। अब वो क्या करता है ना, वो लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ना उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया होता कि भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ना उसकी जो फैमिली होती है बहुत ड्रामेटिक होती है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करेंगे और कहीं ना कहीं उसने उसको गिल्टी फील करा देंगे कि वो खुद भी नहीं जाना चाहेगा वो। अब जो सार्थक होता है ना वो क्या करता है, विभोर एक लड़का होता है उसको कहता है कि भाई थैंक यू यार, ठीक है तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। अब जो विभोर होता है ना वो कहता है अरे यार कैसी बातें कर रहा है भाई, ठीक है। अब कहीं ना जो सार्थक होता है ना वो अपने मन में सोचता है यार सॉरी बहन तुझे छोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं शायद दुनिया का सबसे ख़राब वो हूँ भाई हूँ, लेकिन ये सबसे अच्छा फेयरवेल गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। अब जो विभोर होता है ना वो कहता है अरे शट अप भाई, वो तेरी बहन है यार आफ्टर ऑल, अच्छा ये बता कितने लोग आने वाले हैं। तो सार्थक कहता है ना कि मैंने अभी उसको ना बताया नहीं है। तो विभोर कहता है ना ठीक है भाई तू मुझे बता, पता कर, मैं ना बड़े वाले एकदम JBL के स्पीकर लेके आऊँगा, पार्टी धमाल कर देंगे, एकदम रॉक एंड रोल कर देंगे। अब सार्थक कहता है कि भाई जो ये लड़का है ना विभोर, ये गोलकीपर है, ठीक है, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बढ़िया है, और पिछले 6 साल से ना हम लोग एक साथ हैं, और ऐसा नहीं है हम दोस्त हैं, ये तो मेरे लिए भगवान है, और काफ़ी हैंडसम हंक है ये, ठीक है, और ये सिर्फ कॉलेज की लड़कियों को डेट करता है, और काफ़ी हॉट है ये, और फील्ड पे ना हम लोग एक भाई की तरह, हम लोग खून पसीना मेहनत सब बहाते हैं, और फुटबॉल में ना हम लोग बेस्ट है, पूरे सिटी में ये बात चलती है। वो कहता है सिर्फ यही एक लड़का है जिसके साथ मैं प्लानिंग कर सकता हूँ आगे की। अब वो कहता है ना भाई पार्टीज़ तो मेरे लिए यहाँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उसको हक करता है, और ऐसे हक करता है जैसे उसने कोई फीफा की ट्रॉफी जीत ली हो। और विभोर कहता है ना अरे भाई हंस लेते ही स्माइल कहाँ चली गई, ये तो सबसे अच्छी पार्टी होने वाली है। अब जो सार्थक होता है ना वो कहता है ऑफकोर्स यार मैं हैप्पी हूँ। अब वो कहीं ना कहीं ना उसको दुख भी होता है क्योंकि वो अपनी बहन को छोड़ के जा रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन ने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी होती, ठीक है। तो ये था चैप्टर 19, इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 20। अब जो चैप्टर 20 है ना, इस चैप्टर का नाम है आयशा पॉल। अब 18वां बर्थडे ना आयशा का आ रहा था, और जो उसके आसपास के लोग थे ना वो कहते थे कि भाई 18वां बर्थडे आ रहा है ये तो बहुत बड़ी बात है, और जो आयशा होती है वो कहती है कि क्या बिग डील, कुछ कोई दिक्कत नहीं आया, जैसे 17 की थी वैसे 18 की हो जाऊंगी, दूसरा दिन होगा, क्या इससे स्मार्ट हो जाऊंगी क्या मैं, मुझे तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है कि मैं अपना IQ कैसे बढ़ा सकूं, ठीक है, मैं वैसी लड़की नहीं हूं कि ये बर्थडे पर्थडे क्या कुछ नहीं खत्म सब बेकार की बातें। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप से झूठ बोल रही थी, क्योंकि अंदर से वो चाहती थी ना कि भाई खूब सारे केक कटें, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो, बहुत सारे लोग आएँ, दारू चले, ठीक है, और जैसे हर दारू में चलती, लेकिन वो कहती कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और ना अब इस चीज़ को छोड़ के थोड़ा अपना ब्रेव फेस दिखाती है और लोगों को कहती है कि भाई 18वां बर्थडे कुछ नहीं होता, ये तो बच्चे मनाते हैं, मैं तो अब ग्रोन अप हूँ, और थोड़ा अब चाहती तो है वो करे लेकिन कुछ होता ही नहीं, क्या करे वो, और वो चाहती है कि इतनी दारू पिए खूब मतलब मौज मस्ती चले। अब जो नम्रता होती है ना, ये लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, तो नम्रता कहती है कि भाई तुझे पक्का है तू अपना 18वां बर्थडे नहीं मनाएगी, ठीक, कुछ भी पार्टी नहीं करेगी, छोटी सी पार्टी नहीं करेगी। अब जो आयशा होती है ना वो कहती है कि भाई जो नम्रता है ना वो मेरी अब बेस्ट फ्रेंड बन गई है, और उसने मेघा को कर दिया रिप्लेस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लड़की है, जो उसके पेरेंट्स है ना वो कॉलेज में प्रोफेसर है, एक इंग्लिश के और एक संस्कृत के, और तो और ये बहुत अच्छी रीडर भी है, तो ठीक है हम लोग बहुत घंटों बैठ के हम लाइब्रेरी में बातें करते हैं एक दूसरे से, और बहुत अच्छा चलता था, और हम दोनों को यही चीज़ लगती थी कि भाई जो स्कूल है ना वो पूरा एक ढोंग है और कुछ भी नहीं है। इसकी दो बहनें भी थी नम्रता की, एक का नाम था दृष्टि और दूसरे का नाम था दृष्टि, और जब भी ना आयशा उसके घर जाती थी तो वो उसको ना आगा कह के बुलाती थी, थोड़ी मोटी सी थी बच्ची, बड़ी प्यारी सी, वो कहती कि भाई हम लोग ना घंटों बैठ के लाइब्रेरी में बातें किया करते थे, कौन से ऑथर की बुक सबसे अच्छी है, तुमने ये पढ़ी, तुमने वो पढ़ी, और जब ये बातें ख़त्म हो जाती थी फिर वो टीवी शोज़ के बारे में डिस्कस करते थे कि भाई राम से ने कैसा वो एपिसोड देखा, खाने पीने का कैसा बनाया, कि ज़ियान मलिक के बाल कैसे हैं, जस्टिन बीबर का नया गाना आ गया, कि मैस्टर्बेशन कैसे करते हैं ना, ये लोग आपस में बैठ के बहुत डिस्कस किया करते थे, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी वो। और कहीं ना उसको बड़ा दुख भी था कि भाई उसने इतने सालों की ना फ्रेंडशिप खो दी, उसके पहले भी दोस्त बन सकती थी लेकिन उसने वो नहीं बनी वो। अब जो आयशा होती है ना वो कहती है कि नहीं यार मुझे पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, ये तो सब ढोंग है, ठीक है, और कहीं ना झूठ बोल रही थी, वो चाहती थी बहुत बड़ी पार्टी हो। अब जो नम्रता होती है ना वो कहती है जो नोरबू है ना उसने मुझसे प्रॉमिस करा है कि वो बहुत बड़ी पार्टी देगा जब मैं 18 की हो जाऊंगी। अब इतने में क्या होता है, जो नोरबू होता है वो भी आ जाता है, वो कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं दूंगा, और उसका ना हाथ पकड़ लेता है। अब नम्रता जब वो देखती है ना आयशा कि ये दोनों एक कपल होते हैं, ठीक है, नोरबू और नम्रता एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, और जो नोरबू होता है ना उसके पेरेंट्स होते हैं IAS ऑफिसर्स होते हैं, और कहीं ना उनका दिमाग इसमें भी आ रखा होता है, काफ़ी क्यूट होता है, एकदम गोरा चित्ता बढ़िया स्मार्ट सा लड़का, बहुत अच्छा बोलता भी था, और इतने सालों से ना नोरबू ने ही नम्रता को संभाला था। अब
जो नोरबू होता है ना वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी का ना सबसे अच्छा दिन बना दूंगा, और उसका ना हाथ पकड़ लेता है। अब ये देख के तो ना आयशा सोचती है यार ये नोरबू कितना अच्छा है यार, मैं इसको ना पैक करके ना अपने घर ले जाती हूँ और उसके साथ सोऊंगी हक करके। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो नमिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और यार अब तो मैं एक चीज़ डिसाइड कर चुकी हूँ, मेरा 18वां बर्थडे मुझे चाहिए, पार्टी करनी है, और मुझे ना बॉयफ्रेंड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब वो घर पहुंचती है ना तो देखती है उसकी मम्मी ना किचन में काम कर रही होती है और पूरे कमरे में ना बहुत चिकन की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। वो सोचती है मेरी मम्मी कहीं पागल तो नहीं हो गई, मेरा बर्थडे तो अभी कुछ दिन बाद है, अभी से क्यों चिकन बना लिया। अब जब वो जाती है ना तो उसकी मम्मी कहती है कि भाई तेरा भाई के ना दोस्त आ रहे। अब वो क्या करती है, वो अपनी मम्मी की थोड़ी मदद कराती है, कई सारे ना प्याज को काटती है। तो आयशा कहती है भाई लेकिन उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। तो अब जो सार्थक है ना वो कभी किसी से बात ही नहीं करता, ठीक है। और वो कई बार तो वो नेट पे सर्च करती थी कि भाई मेरा भाई कहीं बायपोलर तो नहीं है या फिर कोई मेंटल उसको इलनेस आ गई हो, क्योंकि कुछ बोलता ही नहीं था। और तो और हम वो कम से कम आयशा थी, वो अपनी मम्मी से बात तो करती थी, पापा से बात करती थी, ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है, उसके खाना कैसा है, पिंपल्स कैसे हैं, उसकी बॉडी में से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन वो कुछ बात ही नहीं करता था, उसका भाई बिल्कुल शांत रहता था। अब वो पूछती है क्या वो लड़का है, तो उसकी मम्मी कहती है ऑफकोर्स वो लड़का है, ठीक है। अब क्या होता है, डोल बेल रैंग होती है, वो फटाफट भागती हुई जाती है और वो अपने भाई को देखते हैं, उसके साथ एक लड़का होता है जो कि होता है विभोर, वो उसको कहती है हाय, ठीक है। और वो उसकी मम्मी वहाँ को उसको लिविंग रूम में बिठा देती है। अब वो क्या करती है, जब वो वापस किचन में आती है ना, ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है जा भाई अपनी स्कर्ट चेंज कर गया आयशा को। तो आयशा कहती है क्यों, ये तो मुझे स्कूल में हर दिन देखता है ऐसे ही। तो अब उसकी मम्मी कहती है ना वो स्कूल था, ठीक है, ये घर है, घर में तो चेंज कर ले कम से कम, और उसको ना मजबूरन जाना पड़ता है। और जाती है कपड़े वपड़े चेंज करती है, उसके पास कोई कपड़े ज़्यादा होते भी नहीं, तो वो क्या करती है एक स्वेट पैंट्स पहन लेती है, अपने भाई की टी शर्ट पहन लेती है। अब वो क्या करती है ना भाई, रूम में आती है वापस किचन में, जो ट्रे होती है ना उसको ले जा के देना शुरू करती है कि भाई पानी वानी ना कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि उसने बताया होता आयशा ने स्टार्टिंग में, जो उसकी मम्मी है ना वो चुपके से कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला देती थी और पता भी नहीं चलता था, तो वो उसको देती है, ठीक है, खाने पीने का। और जो ये लड़का होता है ना, ये विभोर काफ़ी मतलब हैंडसम, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। अब जो आयशा होती है ना वो कहती है भाई तुम यहाँ पे क्यों, ठीक है, क्या तुम इसके दोस्त हो। अब वो कुछ बोल ही रहा होता है तो सार्थक कहता है अपने कमरे में जा। अब जो आयशा होती है ना वो कहती है हे तुम गोलकीपर हो ना, वो विभोर हाँ कहता है। अब जो आयशा होती है ना वो कहती है कि मुझे पता है सारी लड़कियाँ ना तुम्हारे लिए पागल हैं। अब वो ना स्माइल करता है विभोर, ठीक है। अब जो सार्थक होता है ना वो कहता है हमें कुछ काम है, तो आयशा कहती है क्या काम है। अब भाई वो विभोर को देख रही होती है तो सार्थक कहते हैं ना मम्मी। अब वो ना फटाफट अपने रूम में चली जाती है, उसका जो रूम होता है ना वो पास में ही होता है, और वो चुपचाप ना कान लगा के उनकी दोनों की बातें सुन रही होती है कि एक्चुअली में वो बातें कर क्या रहे होते हैं। अब कुछ टाइम बाद ना जो विभोर होता है ना वो उसके कमरे में आता है आयशा के, और वो कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। वो कहती है हाँ ऑफकोर्स, और ना शर्माते हुए ना लड़खड़ाती जबान में कई 3-4 बार में तो अपना नंबर देती है वो उसको, ठीक है, पूरा नंबर देती है। अब जो आयशा होती है ना वो कहती है क्या तुम मुझे सच्ची में मेरे से नंबर मांग रहे हो या फिर मेरे दिमाग में चल रहा है। तो विभोर कहता है ना हाँ मैं तुमसे नंबर मांग रहा हूँ और मैं तुम्हें मैसेज कर दिया, हाय मैसेज भेज देता उसके फ़ोन पे। अब विभोर कहता है ना क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ अगर ठीक हो तो। तो आयशा कहती है ऑफकोर्स, ठीक है, मुझे चुप रहने की ज़रूरत है शायद। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है मुझे जाना है। अब वो क्या करती है ना आयशा उधर से उसको फ़ोन मिलाती है, ठीक है, बगल वाले कमरे से ही विभोर को, कहती है हे। तो विभोर कहता है ना तुम मुझे जिस बगल वाले कमरे से कॉल कर दियो। तो आयशा कहती है हाँ, अच्छा ये बताओ क्या मेरे भाई को पता है कि तुमने मेरा नंबर लिया। तो विभोर कहता है नहीं उसकी टेंशन मत लो तुम, और ना स्माइल करता है, वो समझ जाता है कि भाई एक्चुअली में क्या है। अब जो आयशा होती है ना वो बहुत खुश होती है, उसको लगता है कि भाई भगवान ने मेरी बात सुन ली, अब फाइनली मुझे एक बड़ी सी पार्टी भी मिलेगी, उसका भी चांस है, और तो और एक बॉयफ्रेंड भी मिलेगा, और फाइनली जो भाई हेल बॉय है जो उसका डिल्डो था आयशा का, उसने उसका नाम हेल बॉय रखा था, वो कहती है फाइनली जो हेल बॉय है ना उसको एक कॉम्पिटिटर मिल चुका है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो आपको अच्छा लगाओ, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।